हम काफी डिप्रेशन में बैठे हुए थे, मालिक की तरफ से भी कि कैसे कैसे देंगे, किराया है भी नहीं कुछ। वो चार लड़के आगे शॉप के आगे खड़े होकर वो सब सुन रहे थे। फिर हम बैठ गए तो बोले, आंटी आपके चेहरे पे तो केवल हंसी अच्छा लगता, आप ऐसे मायूस क्यों बैठी हो? कह रहे कि शायद 1 तारीख को शॉप में ताला लग जाएगा तो शायद अब हम रह भी नहीं पाएंगे यहाँ। ऐसे में वो लड़के से बोली, वो लड़का 2 घंटे के बाद वो ही, मुझे फाइनली लगता है कि मुझे वही लड़के थे, वो लड़के आए मुझे 500 रुपए दिए। आपको शक्ल नहीं याद? मुझे शक्ल याद नहीं, क्योंकि सबका चेहरा मिलता जुलता है, मैं पहचानूंगी भी नहीं अगर मेरे सामने भी खड़ा हो जाए तो। और बोला, आंटी मुझे चाय दे दो। हमने, बेटा जी अंदर बैठ के चाय पी लो आप। नहीं पिया। बोला, नहीं आंटी जल्दी में है। मैं चाय दी और चेंज कराने जा रही थी तब उसने मुझे रोक दिया। बोला, नहीं आंटी मुझे जरूरत है, मैं अंदर से आके फिर पैसे लूंगा। वो लड़का आया ही नहीं। ऐसे ही 2 जने और किए, एक और जल्दी में आया और मुझे पैसे दे दिया, 100 रुपए, आंटी सामान पैक कर दो। हमने, क्या पैक करूं बेटा, समोसे निकाल लूं गरम गरम पैक कर दूं? बोला, कुछ भी करो आंटी। और वो भी चला गया। वो यही के किसान थे इसी आंदोलन? किसान ही थे, वो पंजाबी ही थे और किसान ही थे। अपने बच्चों का फीस बढ़ी तो मैं अपने बच्चों से बैठ के बात कर रहे थे और हम खाना खा रहे थे तो मेरे बच्चे बोले कि मम्मी एक बात पूछूं। हमने, पूछो बेटा। तो मम्मी जन्नत आसमान में है या धरती पे? फिर मेरी लड़की बोली, क्या बोली? कि भैया जन्नत आसमान पे नहीं है, धरती में नहीं, पंजाब में है।